अधिक मेहनत करने के बाद में फल कम क्यों मिलता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कभी कभी देखने में आता है कि मनुष्य अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम फल पाता है और कई बार कम मेहनत करने के बाद भी अधिक फल मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आइए पहले इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। यह कहानी आपके सारे भ्रम दूर कर देगी, यह कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में बातचीत कर रही थी। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात का संशय बना हुआ है। मैं सोच रही हूं कि ये बात आपसे पूछ ही लूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे बहन, पूछो, ऐसी किस बात को लेकर तुम दुविधा में हो? तब दरिद्रता देवी बोली, हे बहन, मेरे मन की दुविधा ये है कि हम दोनों बहनें सुंदरता में तो बराबर हैं, फिर लोग तुमको आदर अधिक क्यों देते हैं? और मेरी देखो, मैं कहीं घूमने जाती हूं तो वहां मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। वहां लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव देखने को मिलते हैं। मुझे लोगों के क्रोध और घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं, ऐसा क्यों होता है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे बहन, आदर और सम्मान का मतलब समान और सुंदर लगने से नहीं है। आदर पाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने पड़ते हैं। इस संसार में आदमी को कोई नहीं पूजता, पूजा तो उसके कर्मों से मिलती है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमें आदर से देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जब लोगों के घर में जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन देती हूँ, मैं उनका घर धन धान से भर देती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के लिए इतनी खुशियां दोगे तो वे आपसे प्यार करने लगेंगे, वे आपकी पूजा करने लगेंगे। और तुम्हारा स्वभाव ये है कि तुम जब किसी के घर में पैर रखती हो तो लोग गरीब हो जाते हैं, उन्हें रोग शोक बीमारियां घेर लेती हैं, उनके ऊपर आपदाएं आ जाती हैं, उनका जीवन दुख और कलेशों से भर जाता है, इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारा कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो, अपनी सेवा और सहायता से उनके मन को जीतो। दर्शक बंधुओं, लक्ष्मी जी की यह बात दरिद्रता को बहुत बुरी लगी। वो सोचने लगी कि लक्ष्मी जी को अधिक सम्मान देकर लोगों ने उसे गर्व से भर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया को वही खिला पिला रही हो, वही सबका पालन पोषण कर रही हो। यही लोगों की कमी होती है, यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है कि वो उसकी तौहीन कर रहा है। यही बात माता लक्ष्मी की दरिद्रता बहन के लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वो एकदम से तनक कर बोली, हे लक्ष्मी बहन, तू किस बात में मुझसे बड़ी है? तुझे किस बात का अभिमान है? ना तो तू मुझसे आयु में बड़ी है और ना ज्ञान में, ना शक्ति में और ना सुंदरता में, फिर क्यों मुझे ये उपदेश बांट रही है? यदि तुम्हें अपनी संपदा पर ज्यादा ही अभिमान है तो चलो, हम अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लेते हैं, जो जीती वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। आपको अपने वैभव पर बड़ा अहंकार है, आप सोचती हैं कि मैं जिसे चाहे उसे करोड़पति बना सकती हूं, लेकिन मेरे पास भी ये कला है कि मैं जिसे चाहूं आपके करोड़पति भक्त को भी कंगाल बना सकती हूं। दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और कहने लगी, हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी, मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। दरिद्रता बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हें भी मेरी महिमा के बारे में पता नहीं है। जिसे तुम राजा बनाओगी, मैं उसे पल मात्र में दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जिसे चाहो उसे कंगाल बना सकती हो, पर मेरी कृपा का हाथ जिसके ऊपर रख जाए उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकती।
अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर ज्यादा ही अभिमान है तो कल तुम अपना भ्रम मिटा लो, अब तो बंधु हो। दोनों के बीच स्पर्धा शुरू हो गई। अगले दिन वे उसी नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण रोजाना पूजा पाठ करने मंदिर में जाता था। वो माता लक्ष्मी का बड़ा भक्त था। दोनों उस ब्राह्मण पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाले थे। दरिद्रता कहने लगी, हे बहन, अब आप इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना। मैं इसे दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज करती हूं, जिसे देखकर तुम्हारा भी सिर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहकर दरिद्रता तो चली गई। माता लक्ष्मी उसके क्रोध को देखकर, उसके अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। अगले दिन दोनों उसी मंदिर में पहुंच गई जिसमें ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाता था। मंदिर में जाकर उन्होंने साधारण स्त्रियों की तरह वेश बनाकर मंदिर के द्वार पर जा बैठी। मंदिर पर पूजा करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। सब लोग उन्हें देखते तो थे पर उनका किसी पर ध्यान नहीं था। और ये तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में दीन दुखी लोग तो अक्सर आते ही रहते हैं। उन्हीं लोगों के बीच कुछ देर बाद वो ब्राह्मण भी आ पहुंचा जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों बहनों की नजर उस ब्राह्मण के ऊपर जम गई। ब्राह्मण ने मंदिर में पूजा पाठ किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी बोली, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हारा भक्त जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। दर्शक बंधु, माता लक्ष्मी ने उसी समय एक मोटा सा बांस उसके रास्ते में रख दिया। उस बांस के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी। ब्राह्मण ने रास्ते में पड़े उस बांस को उठा लिया। बांस को देखकर उसने सोचा कि यह बांस जरूर मेरे किसी काम में आ जाएगा, मगर उसे कहां मालूम था कि बांस मोहरों से भरा हुआ है। ब्राह्मण बांस लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर सोचा कि यह बांस तो बड़ा ही काम का है, क्यों ना ये बांस ब्राह्मण से अपनी चारपाई के लिए मांग लूं। यही सोचकर लड़के ने ब्राह्मण से बांस देने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने भी सोचा कि यह बांस मैं कौन सा बाजार से लाया हूं, लड़का मांगता है तो दिए देता हूं। ब्राह्मण ने वो बांस लड़के को 1 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए में बांस बेचकर ब्राह्मण बड़ा खुश होता है। वो लड़का भी मोहरे से भरा हुआ बांस लेकर चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी दोनों बहनों में दरिद्रता कहने लगी, देखा लक्ष्मी बहन, ये था मेरा प्रभाव। तुमने उस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा एक बांस दिया था, पर मेरे प्रभाव से उसका वो बांस मात्र 1 रुपए में बिक गया। तुम्हारे भक्त को क्या मिला, मात्र 1 रुपया। और तो और, इसका ये 1 रुपया भी इसके पास में रहने वाला नहीं है। चलो चलकर आगे देखते हैं क्या होता है। अब तो वे दोनों देवियां उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगी। वो ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसका वो रुपया उसके कमंडल में पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने तालाब किनारे अपने कमंडल को रख दिया और फूल तोड़ने में लग गया। तभी एक चरवाहा वहां से गुजरता है। ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपया पड़ा देखकर वो उसे निकालकर वहां से चलता बना। ब्राह्मण को कुछ पता नहीं था कि उसका रुपया भी चोरी हो गया है। वो अपने कमंडल को लेकर अपने घर की ओर चला आया। घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिल गया जो 1 रुपए में बांस लेकर गया था। वो लड़का बोला, पंडित जी, मैंने तुमसे जो बांस लिया था वो बांस तो बड़ा भारी है। मेरे दादा ने कहा है कि इस बांस को लौटा कर कोई हल्का बांस ले आना, इससे चारपाई ठीक नहीं बनेगी, इसलिए आप ये अपना बांस लौटा लीजिए, मैं बाजार से कोई और बांस ले आता हूं और मेरा रुपया मुझे दे दीजिए। दर्शक बंधु, पंडित जी बांस तो ले लिया पर उसका रुपया वापस करने के लिए जब उन्होंने कमंडल में देखा तो उसमें रुपया नहीं था। पंडित जी बड़े हैरान थे कि आखिर कमंडल से रुपया कहाँ चला गया। फिर उन्होंने लड़के से कहा, भैया, रुपया तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से ले लेना, मैं तुम्हें रुपया अपने घर से दे दूंगा। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं अपना रुपया तुमसे बाद में ले जाऊंगा। इतना कहकर लड़का वहां से चलता बना। दर्शकों, अब वो मोहरों से भरा बांस पुनः पंडित जी के हाथ में आ चुका था। यह देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी को मुस्कुराता देखकर दरिद्रता जल उठी। कहने लगी, बहन, जितना चाहो उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
तुम बस देखती रहना मैं इसे कैसा नाच नचाती हूं। दर्शक बंधु, उधर ब्राह्मण को कुछ नहीं पता था कि वो एक शतरंज का मोहरा बना हुआ है, वो तो बस अपनी ही धुन में मगन था। ब्राह्मण जब कुछ और आगे बढ़ा तो उसे उस चरवाहे का पिता मिल गया। उसने पंडित जी को रोकते हुए कहा, महाराज मेरा लड़का बड़ा शैतान है, वो तुम्हारे कमंडल से एक रुपया उठा लाया था, वो रुपया मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे माफ कर देना, मैं उसकी गलती की आपसे क्षमा मांगता हूँ। पंडित जी ने रुपया लेते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, बच्चा से गलती बन गई, कोई बात नहीं, बच्चा है लोभ में आ गया होगा। इतना कहकर वो चरवाहे का पिता वहां से चला जाता है। पंडित जी ने सोचा, जब रुपया ही मिल गया तो क्यों ना उस लड़के को लौटा देता हूं। इतना कहकर पंडित जी ने उस बालक को आवाज लगाई जो बांस लौटा कर गया था। वो अभी थोड़ी ही दूर निकल पाया था। पंडित जी की आवाज सुनकर वो लड़का लौट आया। ब्राह्मण ने उसका रुपया उसे वापस कर दिया। रुपया पाकर लड़का बड़ा प्रसन्न होता है और वहां से चला जाता है। इधर पंडित जी अपने घर की ओर चल दिए। पंडित जी के एक हाथ में पूजा वाला वो कमंडल था और दूसरे हाथ में वही बांस था जिसमें मोहरें भरी हुई थी। पंडित जी बांस के बारे में सोचते जा रहे थे कि सच में बांस बड़ा भारी है, और जब भारी है तो बांस मजबूत भी होगा, इसे मैं अपनी छत में लगा दूंगा, काफी दिनों तक बल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्शक बंधु, इधर लक्ष्मी जी की कृपा से सब काम बनता देख दरिद्रता जलती जा रही थी। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पंडित का घर भी नजदीक आ गया था। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो पंडित जी को जान से मारने के लिए उद्दत हो उठी। दरिद्रता ने कहा, हे बहन लक्ष्मी, अब मैं इसकी धन संपत्ति तो छीन ही लूंगी, साथ ही साथ इसके प्राण भी ले लूंगी, तब देखना कि वो किस प्रकार तड़प तड़प कर मरता है। इतना कहकर दरिद्रता एक भयंकर सांप का रूप बनाकर ब्राह्मण को डसने के लिए झपटी। दरिद्रता की यह दुष्टता देखकर लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं घबराई, वे वहीं पर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। उधर ब्राह्मण ने देखा कि एक भयानक सांप मुंह फैलाए उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। ब्राह्मण घबरा गया, उसे अपने प्राण बचाने की सूझी, वो एकदम से जान बचाकर एक ओर भागने लगा, पर दरिद्रता कहां उसे छोड़ने वाली थी, वो तो उसे मार ही डालना चाहती थी। वो उस ब्राह्मण के दाएं बाएं और पीछे दौड़ती जा रही थी। ब्राह्मण ने घबराकर उसके हाथ जोड़ लिए और बोला, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, चुपचाप यहां से लौट जाओ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, व्यर्थ में मुझे क्यों सता रहे हो। दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण ने बहुत विनती की पर सर्प क्यों मानता, वो तो दरिद्रता थी, वो उसे मारकर ही दम लेना चाहती थी। अपने प्राण ना बचते देख ब्राह्मण ने आत्मरक्षा के लिए वही बांस उस सर्प के ऊपर दे मारा। धरती से लगते ही वो बांस टूटकर बिखर गया। बांस के अंदर जितनी मोहरें भरी थी वे सब खनखनाकर जमीन पर गिर पड़ी। इतनी सारी मोहरों को देखकर ब्राह्मण आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह गया। एक पल के लिए वो सांप का ध्यान भूल चुका था, लेकिन जैसे ही उसे सांप का ध्यान आया तो उसने देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है। वो घायल होकर एक झाड़ी में छुपने के लिए चला गया था। इधर ब्राह्मण ने वे सारी मोहरें इकट्ठी की और बड़ा खुश हुआ। वो बार बार माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था। उन मोहरों के बारे में सोच रहा था कि आज तो मेरी सारी गरीबी दूर हो चुकी है। वो उन मोहरों को बांधकर अपने घर की ओर चला गया। उधर लक्ष्मी और दरिद्रता फिर बातें करने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे बहन सच सच बताना, बड़प्पन की था मिली या नहीं। बड़प्पन किसी को देने में होता है, छीनने में नहीं होता। छीनने वाला भी कभी सुखी नहीं रहता। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। खुशी छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अधिक मेहनत करके भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें फल नहीं मिलता, वे अपना फल भविष्य में निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि कम मेहनत में हमें बहुत कुछ मिल गया, और जिन कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलता उसके दो कारण हैं। पहला कारण, फल भविष्य में मिलेगा, और दूसरा कारण लक्ष्यहीन कार्य।
जब हम लक्ष्यहीन कार्य करते हैं तो हमें मिल भी जाता है और खाली हाथ भी रहना पड़ता है। लक्ष्यहीन कार्य सिर्फ थकाता है, आपको देता नहीं है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को पसंद करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।